राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए 500 से अधिक नरेगा मजदूर और मजदूर अधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ 3 दिन का धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच चला। मनरेगा सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसके तहत हर ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी होती है। यहाँ पर आए हुए लोगों की हालांकि सरकार पर कई गंभीर आरोप हैं, परंतु उन आरोपों में सबसे बड़ा आरोप यह है कि सरकार धीरे धीरे मनरेगा के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। ये मजदूरों के आंदोलन से आने वाला कानून है, तो इसलिए आज मजदूर लड़ रहे हैं इसको बचाने के लिए। आप इसमें से पैसा पूरा देते नहीं हो, बजट पूरा रखते नहीं हो, पहले ही खत्म हो जाता है और आपका पूरा पैसा अमीरों को छूट देने में चला जाता है। आप लाखों करोड़ की छूट उनको दे देते हो जो पहले से ही धनी है, पहले से अमीर है, उनको आप छूट दोगे और लूट यहाँ नरेगा में मचेगी। जो मजदूरों को लूटो और अमीरों को छूट दो, ऐसा एक कार्यक्रम अनूठा सरकार ने बना रखा है। सीधा साधा आक्रमण ये है कि इसको नरेगा को अपनी मौत मरने दो। कैसे धीरे धीरे मरे कि मजदूर आज उसको वापस हिम्मत ही नहीं करें नरेगा में जाने के लिए। दो दो साल तक पेमेंट नहीं दोगे, काम करवा लिया पेमेंट दिया नहीं, मेटों के पेमेंट जो सामग्री का पेमेंट राजस्थान में एक दो दो साल हो गए सामग्री का पेमेंट नहीं दे रहे हो। नहीं देने के पीछे पूरा मामला बजट का है। साल 2019 में अनूप सतपति कमेटी ने मनरेगा के तहत 375 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय की थी, पर आज भी पूरे देश में यह मजदूरी कहीं पर भी नहीं दी जाती है। इसके साथ ही अगर महंगाई को जोड़ दिया जाए तो नरेगा मजदूरों की हालात और भी बदतर दिखते हैं। 200 रुपए मजदूरी मिलता है, शुरू में मिलता था 158 रुपए, अभी 200 रुपए मजदूरी मिलता है। 200 रुपए मजदूरी में मेरा मजदूर क्या खाएगा, क्या चलाएगा, क्या करेगी 200 रुपए में? 200 रुपए सरकार कर दिया है 158 से, अभी 200 रुपए कर दिया है, 210 रुपए में अभी जो अभी की स्थिति में देखी है, अभी की स्थिति में 1 लीटर तेल का 200 रुपए, गैस देखिए तो 1200 रुपए, 1195 रुपए, 1155 रुपए, ऐसा ही कुछ कर दिया है गैस का। और चावल का भाव उतना ही बढ़ा के रखे हैं, तो मेरा मजदूर लोग खाएगा वो 200 रुपए में, या बच्चा को पढ़ाएगा या लत्ता कपड़ा खरीद के देगी, कौन व्यवहार मेंटेन करेगी उन लोग? नरेगा में एक ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि अभी जो सरकार ने एक ऐप लागू किया है नरेगा के लिए, वो लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि नरेगा में हम जाते हैं काम मांगते हैं, एक तो हमें 15 दिन का हम काम मांगते हैं तो हमें 12 दिन का काम दिया जाता है, फिर उसमें ऐप में जब हाजिरी होती नहीं है, कोई भी नेटवर्क नहीं होता है, या कभी बारिश का मौसम हो जाता है या कुछ अलग अलग समस्या आ जाती है तो उस टाइम ऐप चलता नहीं है, तो हमें 15 दिन में से 12 दिन का तो वो बचपन निकालेंगे, उसमें से हमें 6 दिन काम मिलेगा। नरेगा मजदूर 6 दिन में भी आ जाते हैं, जिस दिन नेट नहीं चलता है या और कुछ अलग समस्या आ जाती है तो लोगों को वापस घर भेज दिया जाता है कि आपका नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है तो आप घर चले जाओ, फिर भुगतान नहीं होगा सरकार से। बेटों को भी डरा दिया जाता है कि अगर नेट नहीं चलेगा और आप लोगों को काम करवाओगे तो आपकी जेब से आपको पैसा देना पड़ेगा, तो फिर बेट भी घबरा जाता है और लोगों को घर भेज देते हैं। और दूसरी है कि हम सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि आपने ऐप जो लागू किया है हमारे मजदूरों के साथ, जो हम न्यूनतम मजदूरी भी नहीं, जो नरेगा की मजदूरी है वो भी हमें पूरा नहीं देते हो, 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए रेट देते हो, उस पर अगर आपने इतना वो किया है तो हम चाहते हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों के साथ क्यों नहीं होता है, क्यों नेताओं के साथ या कभी पटवारी के साथ या किसी ग्राम विकास अधिकारी के साथ, किसी BDO के साथ या किसी SDM की इस तरीके से ऑनलाइन हाजिरी क्यों नहीं होती है? नरेगा में कभी 100 दिन काम नहीं मिल रहा है, और 100 दिन काम नहीं मिलने के पीछे बड़ा कारण है कि सरकार की इच्छा नहीं है कि नरेगा ठीक से चले, तो वो अपने बजट ही इतना कम रखती है कि वो पूरे 12 महीने तक चल ही नहीं पाता है, तो 12 महीने से कम कुछ महीनों में ही ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो अघोषित एक ऐसा स्टेटमेंट चालू कर देते हैं कि अब लोगों को काम ना मिले, इसके लिए सरकार जानबूझ के ऐसा प्रोग्राम बनाती है कि काम दो ही मत, नरेगा नाम तो रहे लेकिन उसका काम नहीं रहे, तो आप जब काम नहीं रहेगा तो लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी, और इसमें कानून की एक एक लाइन का वॉल्यूशन हो रहा है। नरेगा कहता है भी आवेदन करो काम मिलेगा, आवेदन की रसीद देते नहीं, आवेदन में प्रूफ नहीं रखते हो, आवेदन की रसीद दोगे नहीं तो काम मिलेगा नहीं, अच्छा काम ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता दो, तो बेरोजगारी भत्ता के लिए लड़ना पड़ता है पर बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देते हो, तो सरकार का एक अघोषित कार्यक्रम है कि नरेगा को धीरे धीरे मरने दो।
भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से पिछले कुछ सालों में बढ़ती हुई बेरोजगारी हर दिन भयंकर रूप लेती जा रही है। इसी दौरान मनरेगा के तहत मजदूरी मांगने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस साल तकरीबन 3.1 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत मजदूरी मांगी है, जो कि साल 2006 जब से कि यह योजना लागू हुई है तब से सबसे अधिक है। काम देते हैं 100 दिन पर, वो 100 दिन भी पूरा काम नहीं दे रहे हैं, तो हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि इसको बढ़ा के 200 दिन किया जाए, क्योंकि जब सरकार हमें 100 दिन का ही काम टाइम पे नहीं दे रही है, मजदूरों को 100 दिन का काम ही नहीं मिल रहा, तो 200 दिन का तो वो कहाँ से देगी। जबकि देखा जाए तो गाँव में इतना विकास कार्य करवाने के लिए इतने कार्य होते हैं कि वो 100 क्या उनको 500 दिन भी कम पड़ जाए मजदूरों के लिए काम करवाने के लिए। पंचायतों के अंदर इतना काम होता है। मनरेगा वैसे तो बहुत बड़ा शब्द है, पर ये कागजों में ही है। इसको धरातल पे जाके देखते हैं ना तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है। कई साइडों पे देखते हैं, गांवों में देखते हैं कि जो पहले सुविधा मिलती थी, जो पहले फिर भी कुछ मिलती थी, वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होती थी, बच्चों को रखने के लिए एक आया भी होती थी, मेडिकल किट होता था। मजदूरी तो नाम मात्र की है देखा जाए तो, क्योंकि 220 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई तो 220 से क्या होता है।